15 से 18 वर्ष तक के किशोरों एवं युवतियों को वैक्सीन लगाने का कार्य उपमंडल सुजानपुर में शुरू हो गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुजानपुर में विशेष अभियान लगाकर इसकी शुरुआत कर दी गई है। उपमंडल अधिकारी हरीश गज्जू की अगुवाई में इस अभियान को शुरू किया गया है। खंड स्वास्थ्य अधिकारी रमेश डोगरा ने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुजानपुर एवं राजकीय विद्यालय चबूतरा में छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाई जा रही है। छात्र छात्राओं में वैक्सीन लगाने का खासा उत्साह है। प्रथम दिन में 500 छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। इस अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग सुविधा के साथ साथ ही स्पॉट रजिस्ट्रेशन सुविधा भी रखी गई है। उधर मौके पर पहुंचे उपमंडल अधिकारी ने युवा वर्ग से अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जतन लगाने का कार्य शुरू किया गया है। इस मौके पर वैक्सीन लगाने आई एक युवती ने सरकार का धन्यवाद किया। मैं शिवानी ठाकुर फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानपुर थीरा। आज मैं को वैक्सीन लगाने जा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैं हिमाचल गवर्नमेंट और मेडिकल स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। और हिमाचल के मैं सभी बच्चों से अनुरोध करती हूँ कि वो ये वैक्सीन लगाएं ताकि हम खुद को और दूसरों को इस महामारी से बचा सके। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सुजानपुर से सरिता राणा की रिपोर्ट। 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों एवं युवतियों को वैक्सीन लगाने का कार्य उपमंडल सुजानपुर में शुरू हो गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुजानपुर में विशेष अभियान लगाकर इसकी शुरुआत कर दी गई है। उपमंडल अधिकारी हरीश गज्जू की अगुवाई में इस अभियान को शुरू किया गया है। खंड स्वास्थ्य अधिकारी रमेश डोगरा ने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुजानपुर एवं राजकीय विद्यालय चबूतरा में छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाई जा रही है। छात्र छात्राओं में वैक्सीन लगाने का खासा उत्साह है। प्रथम दिन में 500 छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। इस अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग सुविधा के साथ साथ ही स्पॉट रजिस्ट्रेशन सुविधा भी रखी गई है। उधर मौके पर पहुंचे उपमंडल अधिकारी ने युवा वर्ग से अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जतन लगाने का कार्य शुरू किया गया है। इस मौके पर वैक्सीन लगाने आई एक युवती ने सरकार का धन्यवाद किया। मैं शिवानी ठाकुर फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानपुर थीरा। आज मैं को वैक्सीन लगाने जा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैं हिमाचल गवर्नमेंट और मेडिकल स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। और हिमाचल के मैं सभी बच्चों से अनुरोध करती हूँ कि वो ये वैक्सीन लगाएं ताकि हम खुद को और दूसरों को इस महामारी से बचा सके। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सुजानपुर से सरिता राणा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।